हेलो एवरीवन क्या आप ये सारे फेसेस को पहचान रहे हो क्या आई डोंट थिंक सो मे बी कुछ लोग इनके जान पहचान के भी हो सकते हैं बट स्टिल प्लीज ज्वाइन मी इन कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल दी स्टॉपर्स ऑफ आर एन सेट आई एस स्कॉलरशिप टेस्ट जिसको कि हमने नाइनटीन मार्च को कंडक्ट किया था आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा बट दीज आर द स्टूडेंट्स जिनको हमने नाइन्टी परसेंट इस्कॉलरशिप अवेल करने के लिए बोला है लेट्स हियर फ्रॉम देम कि इनका क्या कहना है हाउ दे रियली फीलिंग नाउ और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मैं मैं स्ट्रक्चर्ड वे से अगर मैं अपनी तैयारी करूंगा सिविल सर्विसेज के लिए तो मेरे रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई होप दिस विल हेल्प मी इन अचीविंग माई ड्रीम ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यू सी एस सी आई एम वेरी थैंकफुल टू मल्ली आई एस फॉर गिविंग मी दिस ऑपरचुनिटी थैंक यू I feel really amazing that I got this opportunity because ever since today I have only seen these many scholarships in online classes only. Uh, so PW Only is the first one to conduct uh, the scholarship test to give scholarships in all offline classes that too with 90%. I really feel happy when I have got 90% scholarship in C PW Only ACDR model based test. And for that they provided me the 90% scholarship. Uh, I think uh, is this is a uh huge मुझे पी डब्ल्यूल ऐसी जुड़ के बहुत खुशी हो रही है इस कोर्स में जैसे कि बताया गया कि यह कोर्स मॉडल बेस आधारित कोर्स है इसमें क्लासरूम टेस्ट और रिविजन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा दीज आर जस्ट फ्यू पीपल जिनको हमने अभी आपके साथ इंट्रोड्यूस कराया बट स्टिल देर आर सो मेनी थिंग्स ये पूरी घंटे की रील बन जाती फिर है ना उसको भी अवॉइड करते हैं बट देर आर देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जिन्होंने इस बैच को ज्वाइन भी कर लिया है एंड दे हैव अवेल्ड दिस स्कॉलरशिप एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑन द बिहाफ ऑफ पी डब्ल्यू ऑनली आई एस टू ऑल ऑफ दम जिन्होंने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया एंड दे आर कमिंग विथ अस विद दिस इनोवेटिव जर्नी ऑफ यू पी एस सी प्रिपरेशन तो स्टूडेंट्स वैसे तो देखो इसमें अनाउंसमेंट में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे आप लोगों के सो so, एक बार हमें भी लगा कि वाई नॉट टू कम हेयर और आप सबके डाउट्स को एक बार में एक वीडियो के थ्रू हम इसको समराइज़ कर दें एड्रेस कर दें जिससे कि हम जिस ट्रांसपेरेंसी के लिए हमेशा से नोन हैं वो ट्रांसपेरेंसी कंटिन्यू हो बहुत सारे डाउट्स आप लोग के होंगे आई सपोज उनको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने एक एनसेट आई का एग्ज़ाम कराया था नाइनटीन जस्ट अ सेकेंड हमने कराया था नाइनटीन मार्च को और इसके बाद हमने एक वीडियो भी आप सबके लिए दी थी यहाँ पर आप जब YouTube वाले सेक्शन में ऑनली आया को ओपन करते हैं और लाइव सेक्शन पर आते हैं तो दिस इज द लाइव सॉल्यूशन क्लास जो कि हमने नेक्स्ट डे ट्वेंटी अप्रैल को हमने इसको पब्लिश कर दिया था बहुत सारे लोगों ने इसको देख भी लिया है बट स्टिल अगर आपने नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली इस टेस्ट को एक बार वापस से देख सकते हैं कमिंग बैक टू द पॉइंट इस स्कॉलरशिप टेस्ट में एक्चुअल में डिफरेंट क्या है सबसे पहले तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें सबसे डिफरेंट है बिकॉज वी हैव गॉट लाइक 53,000 प्लस रजिस्ट्रेशन इन दिस टेस्ट दिस वॉज रियली ओवरवेलमिंग फॉर एस हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना सारा सपोर्ट आप लोगों से हमें मिलेगा एंड द स्टूडेंट्स दोज वू आर गोइंग टू इनरोल इन दिस आर अगेन इंक्रीजिंग इनक्रीजिंग डे बाई डे तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और प्लस ये जितने रजिस्ट्रेशन थे लेकिन आप सब लोग टेस्ट देने तो नहीं आए हैं बट स्टिल वी हैव गॉट अ प्लेंटी नंबर बहुत बड़ा नंबर है जिसको कि स्कॉलरशिप शायद उतने लोग को तो हम नहीं दे पा रहे होंगे बट हाँ जो एक मेजर चंक है उनके पास स्कॉलरशिप के मैसेजेस डेफिनेटली गए होंगे हमने आपको कन्वे किया है थ्रू व्हाट्सएप मेल्स जिससे कि आपको आपकी रैंक पता चल सके एक कन्फ्यूजन ये हो सकती है आपको कि आपकी रैंक जो आपके पोर्टल पर दिख रही है ना वो कुछ और होगी और जो हमने शेयर किया है वो कुछ और होगी ये पहला डाउट है आप लोग का इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी में आपको बताता हूं कि हाउ इट हैज हैपेंड सबसे पहले देखो क्या है ना कि ये टेस्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स पर मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर हुए थे तो हमने एट द एंड ऑफ द डे सारे प्लेटफॉर्म्स के रिजल्ट्स को ना एक साथ बंचअप किया तो उस रैंक को ही आपको फाइनल मानना है आपका नंबर करेक्ट होना चाहिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और उसी के हिसाब से हमने कैटेगराइज किया कि हम कैसे लोगों को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे सो देर आर अ चंक ऑफ पीपल जिसके मार्क्स बहुत अच्छे थे हमने ये टेस्ट ना हंड्रेड मार्क्स का लिया था इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें ना तो देखो हमने इसको कैसे कैटेगराइज़ किया है देर इज़ अ चंक ऑफ पीपल जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं यार एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उनके बिगिनर लेवल पर या फिर अभी जिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पर हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं देर आर वेरियस पीपल जिनके सेवेंटी फाइव से ज़्यादा मार्क्स हैं हंड्रेड में से सेवनटी फाइव से ज़्यादा इट इज़ इट इज़ नॉट समथिंग लाइक विच इज़ नॉट अचीवेबल मैंने भी पेपर दिया था और मेरे मार्क्स भी लगभग लगभग ऐसे आ रहे थे हालांकि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला यहाँ से बट स्टिल आई अटेम्प्टेड दिस पेपर एज वेल आप लोग के साथ साथ ही तो ये जो नंबर है ना इससे जितने ज़्यादा लोगों के नंबर आए हैं उनको हमने एक बड़ा स्कॉलरशिप ऑफ़र किया लेकिन विथ अ लिमिटेशन कि ऐसा नहीं है कि जितने लोगों के भी इससे ज़्यादा नंबर आए हैं उन सबको वो स्कॉलरशिप मिलेगा तो उनके पास हमने मेल्स और मैसेजेस के थ्रू कन्वे किया बट सिंस इट वॉज़ लिमिटेड सीट ऑफर तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर और कुछ रैंक्स और कुछ उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कि हाँ उनका क्या फ्यूचर है कैसे वो यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं उन सबके बेसिस पर वी हैव सॉर्टेड दीज कैंडिडेट्स जिनके आपने टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी सुन लिए हैं बट स्टिल दिस इज नॉट द एंड देर आर वेरियस पीपल जिनके इससे ज्यादा मार्क्स आए हैं एंड दे केन ऑल्सो इनरोल फर्दर कैसे देखो क्या होता है कि इसमें ना अपना स्कॉलरशिप बाकी के इंस्टीट्यूशन से कैसे डिफरेंट है एक बार वो समझते हैं इधर हम लोग लिख लेते हैं यह है हमारा प्यारा पीडब्ल्यू ऑनली आई एस और ये इधर साइड लिख लेते हैं हमारे प्यारे दूसरे इंस्टीट्यूट देखो क्या होता है ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर किसी ने हर बार बोला है कि भाई नाइन्टी परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिलेगा जैसा कि अभी आपने टेस्टिमोनियल में भी सुना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो नाइन्टी परसेंट प्रॉपर आपके फ़ी स्ट्रक्चर पर रिफ्लेक्ट करे सपोज सबसे पहले तो जो हमारा फी है ऑफलाइन का वो ही बाकी इंस्टीट्यूशन से बहुत कम है जहाँ पर बाकी नॉमिनल फीस आपके अप्रोक्सीमेटली टू लैख के आसपास होते हैं वी हैव सम अप द होल होल ऑफलाइन प्रिपरेशन विथ सो many सो so many इनोवेटिव स्टेप्स वन पॉइंट वन एल अब इसमें अगर नाइन्टी परसेंट दे रहे हैं ना तो हमारा क्या फंडा है कि भाई नाइन्टी परसेंट अगर हम लोग वन लैख वन थाउजेंड में दे रहे हैं ना तो हम लोग सिंपली नाइन्टी परसेंट इसी पर अप्लाई करेंगे और या फिर अगर हमने फिफ्टी परसेंट बोला है तो हम फिफ्टी परसेंट इसी पर अप्लाई करेंगे नॉर्मली ये कैसे फॉल होगा और ये तो चलो ऑफलाइन के लिए है दिस स्कॉलरशिप इज़ ऑल्सो फॉर द हाइब्रिड स्टूडेंट्स उनके लिए फ़ी स्ट्रक्चर क्या है उनके लिए फ़ी स्ट्रक्चर है एटी थाउजेंड ठीक है जिसको नाइन्टी परसेंट इस्कॉलरशिप यहाँ पर मिला है उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड फी कितनी पे करनी है ग्यारह हज़ार मतलब रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो ऑफ हो गया 50 परसेंट दे रहे हैं तो उनको सिर्फ 55,000 पे करना है और 55,000 में ही उनको पूरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है कि आपको बुक्स नहीं देंगे आपको टेस्ट सीरीज नहीं इंक्लूड करेंगे ऐसा कुछ भी हिडन नहीं है इसमें ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है प्योर है दूसरे साइड के जब स्कॉलरशिप्स आते हैं तो वी हैव रिकग्नाइज इट कि अगर ये भी 90 परसेंट क्लेम कर रहे हैं ना तो यहां पर होते हैं कुछ ऐसे आपका एडमिशन प्राइस होगा कुछ फिर इसके बाद आपका कुछ बेसिक पे होगा फिर इसमें बुक्स का इंक्लूड होगा फिर इसमें शायद कुछ और भी एकेडमिक चीज़ें इंक्लूड होंगी इसमें से ऐसा हो सकता है कि अगर इनकी फीस दो लाख रुपए है तो इनका जो बेसिक पे होगा वो होगा कि भाई बेसिक एड मतलब जो ट्यूशन फ़ी आप जिनको बोलते हो वो हो गए नाइन्टी के आसपास तो अभी ऐसा होगा ना कि अगर ये नाइन्टी दे रहे हैं तो अभी बाकी के फीस तो एक लाख दस हज़ार है ही है उसमें कोई कटौती नहीं है ये नाइन्टी थाउजेंड वाले पर ना ये फिफ्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट इस पर दे देंगे तो इसमें दे देंगे तो आपका फी अभी भी कितना इफेक्टिव पड़ रहा है एक लाख बीस हजार या फिर इससे ज्यादा इतना तो हमारा एक्चुअल फी है, है ना तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हमने इसमें ऐसा कुछ भी हिडन रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाए बट अभी भी जिसने इसको अवेल नहीं किया है ना उसको निराश नहीं होना है उनके लिए अभी भी हमने 48 एट आवर्स की एक विंडो ओपन की है वो ऑलरेडी ओपन भी थी बस आपको मैं कन्वे कर रहा हूँ कि नेक्स्ट फोर्टी आवर्स मतलब कि आज अगर ट्वेंटी है तो ट्वेंटी और ट्वेंटी तक ट्वेंटी सेवन्थ तक आपके लिए इसमें अभी भी फिफ्टी वाली सीट तो बची रही है वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर बेसिस पर लिमिटेड सीट्स ही हैं सबको नहीं मिलेगा ये 75 से ऊपर बहुत लोग के नंबर आए हैं आप ऐसा बोल सकते हो कि मोर देन 200, 300 स्टूडेंट्स हैं जिनके इतने आए हैं तो उन सबको तो नहीं मिलने वाला है लिमिटेड लोगों को मिलेगा और वो लिमिटेड सीट्स अभी भी आप छब्बीस सत्ताईस तक में अवेल कर सकते हो फिर सत्ताईस के बाद जितने भी लोगों का हमारे पास लिस्ट आएगा उसको हम देख के एक बार उनसे बातचीत करके क्लोज कर देंगे फिर ये ओवर फिर आपके पास स्कॉलरशिप के और कौन से जोन बचते हैं इनके बाद भी जो 75 से कम वाले थे या फिर ऐसे जो भी और भी लोग थे उनको भी हमने अलग अलग मैसेजेस भेजे हैं तो एक जोन हमने डिफाइन किया था जिसमें हम लोग स्ट्रेट 25,000 ऑफ भी दे रहे हैं तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो इट्स ऑल अपॉन यू है ना कि जस्ट ग्रैप द मोमेंट और ये सारे बेनिफिट्स आप कब तक ले सकते हो तो हमने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ था कि जिस दिन हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे होंगे जिस दिन हमने रिजल्ट अनाउंस किया कौन सा दिन था वो ट्वेंटी मार्च उसके अगले सात दिन तक इसको अभी के लिए चलो हम एक्सटेंड करके सेवन का नाइन डेज कर देते हैं तो नाइन डेज ये नाइन डेज भी क्यों है क्योंकि अगले दो दिन में इतनी ज़्यादा हमारे पास कॉल्स और मेल्स आई इनके लिए कि हम आपको प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर सके एंड वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दैट बट वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि हम आपको उसी सभी कॉल्स को हम कॉल बैक करें एंड वी जस्ट भी क्या प्रॉब्लम थी उसको हम एक बार एड्रेस करना चाहते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो अभी लास्ट में मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेल आई दे रहा हूँ यहाँ पर आप उस पर फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हो बट स्टिल अभी भी आपके पास टाइम है जिसमें कि आपको फर्दर इसको अगर प्रोसेस कराना है तो कर सकते हो अदरवाइज अगर इन सब में भी आपका एनसेट आपने दिया ही नहीं है कुछ भी पंगा है तो उन सब चीज़ों के लिए आपके पास अभी भी ई मतलब अर्ली बर्ड ऑफर तो ऑलरेडी ट्वेंटी थाउजेंड का हमारा चल रहा है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो और हाँ इसमें भी बहुत लिमिटेड सीट्स ही हैं अप्रॉक्सीमेटली आज मैंने देखा था लगभग फोर नहीं फोर भी नहीं थ्री के आसपास कुछ सीट्स बची हुई थी तो ये भी जल्दी से फील हो रही है हाँ एक डाउट ये भी था कि सर इसमें 500-600 सीट्स आप रिमेनिंग बचाओ कितने बच्चों को पढ़ाओगे तो ऐसा नहीं है देखो क्लासेस जो हैं लिमिटेशंस में ही चलेंगी देर आर मल्टीपल बैचेस जिसको कि हम साइन कर रहे होंगे तो इसीलिए उसका टेंशन मत लो आप लोग और आपका ये भी एक डाउट था कि इतने बड़े बैचेस में डाउट कैसे रिजोल्व करेंगे देखो डाउट रिजोल्व करने के लिए ना हमने बहुत बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज़ लिए हुए हैं वी विल इंश्योर कि आपके हर एक डाउट को हम एड्रेस कर रहे होंगे उसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हमने डिवाइड किया जैसे कि जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है आप तुरंत अपने मेटोरस के पास जाके आधे एक घंटे तक इंटरेक्ट करके जितने डाउट्स हैं सब क्लियर कर सकते हो लेकिन क्या हो कि जब आप घर जाओ और आपको लगे अरे यार ये टीचर ने पढ़ाया था मेंटोर से पूछा था बट फिर भी समझ में नहीं आई ये वाला कॉम्पोनेट तो छूट गया बाद में दिमाग की बत्ती जली कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मॉर्निंग बैच में हो मान लो फॉर एग्जाम्पल तो क्या होगा कि आपके लिए शाम में पाँच से छः बजे का एक हम लाइव विंडो ओपन कर देंगे वहाँ पर भी फिर से मेंटोर मिल जाएंगे आपको आप उनको सीधे क्लिक करो जूम लिंक पर वो सामने बैठे होंगे आप उनसे फिर से बातचीत करो गेट योर डाउट सॉल्व कम बैक सिंपल फिर भी आपको लगता है कि इसमें ना अभी उतना बात नहीं बन पा रहा है थोड़ा पर्सनल बात भी करनी है कुछ और पर्सनल टेंशन हैं जिनसे कि हमें और थोड़ा सा अलग से बातचीत करने की जरूरत है वन टू वन ऐसे पब्लिक में आके सबके सामने नहीं पूछ सकते कोई टेंशन नहीं है वी रेस्पेक्ट योअर प्रिवेसी एज वेल आपके पास एक गूगल फॉर्म होगा आपके डैशबोर्ड पर आपको सिंपली उस फॉर्म पे क्लिक करके अपना एक लाइन में प्रॉपर आपको टाइप करके डाउट्स अपने लिख के सबमिट कर देना है आपके पास मेंटोर की कॉल आ जाएगी आप उसे टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के थ्रू वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो जब भी क्लासेस चल रहे होंगे तो टीचर्स तो आपको पढ़ा ही रहा होगा अगले दिन जब आप आओगे ना तो फिर से रिविजन होगा पिछले क्लास का तो पिछले क्लास का अगर फिर से रिविजन होगा तो उसमें भी जितने डाउट्स थे वो फिर से क्लियर हो जाएंगे तो इट इज़ लाइक हैमरिंग अगेन एंड अगेन अरे पढ़ोगे कैसे नहीं कि डाउट्स क्लियर कैसे नहीं होंगे बहुत तरीके हैं हर एक इंडिविजुअल को एड्रेस करने के लिए सफिशियंट मेथडोलॉजीज हैं जिससे कि हम अपने डाउट्स को अपने पास तक रखें ऐसा हो नहीं सकता बस अर्तः आप बहुत शर्मिले किस्म के इंसान ना हो कि अपने डाउट लेके हमारे पास आ ही नहीं रहे हो उसके लिए भी प्रावधान है कि अगर आपने अपने टेस्ट में कम स्कोर किया है तो भी यहां से हम पुश करेंगे आपको कि भाई क्या चल रहा है क्यों कम नंबर आ रहे हैं क्या परेशानी चल रही है फिर हम अपने तरफ से सो मोटो एक्शंस लेंगे ठीक है तो ये ये पूरा एक एक डाउट आपके मन में एक और आ रहा था कि डाउट नंबर थ्री और फोर इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ना ये कितने मल्टीपल प्रोग्राम्स पे अप्लाइड है देखो कितने मल्टीपल प्रोग्राम्स पे अप्लाइड नहीं है सिर्फ़ एक प्रोग्राम है और वो है हमारा फाउंडेशन कोर्स बेस्ड अपॉन सी मॉडल इसी सी मॉडल वाले फाउंडेशन कोर्स पर ही एप्लीकेबल है ये ये पूरा का पूरा स्कॉलरशिप टेस्ट इसी बैच के लिए ही स्टार्ट किया गया था तो ये भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इसको भी आप आराम से देख सकते हो अदरवाइज जिसको सी टी आर मॉडल के बारे में नहीं पता है उसको मैं एक बार वापस से दो मिनट में एक बार ब्रीफ कर देता हूँ सी टी आर मॉडल इज़ ऑल अबाउट योर क्लास टेस्ट रिविजन और एक कॉम्पोनेंट और इवेलुएशन ये चारों चीज हमने ये समझा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपर से बात किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंसिस पर भी हमने यही डिफाइन किया कि क्लास के बाद अगर हमने उसी क्लास में रिवीजन का कुछ परफॉर्मा नहीं रखा साथ में अगर हमने उसमें टेस्ट नहीं लिखवाया आपको अभी इसी टाइम तो फिर क्या होगा ना कि आप लोग घर जाके उसको कितना अच्छे से करते हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी वी डू नॉट वॉन्ट दैट हमें चाहिए कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो हम इसको कराते हैं अच्छे क्वेश्चन देते हैं इसको अलग कैटेगराइज में कैटेगरीज़ में डिवाइड करके चलेंगे जिससे कि आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से एक अच्छे लेवल तक पहुंच सको आप लोग को यह भी डाउट हो रहा था कि इसको हमें देखना कैसे है तो बहुत सिंपल सा है आपको सिंपली कॉम पर जाना है ठीक है अगर आपको फर्दर डिटेल्स की जरूरत है तो आप यहां पर न्यू फाउंडेशन बैच है यहां पर क्लिक करिए आपको प्रॉपर इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे ठीक है क्या है कैसे है वो सारी चीजें यहां पर एक एक करके हमने समराइज की है इस पूरे चीज के बारे में इफ यू वॉन्ट टू इन इन टू दिस प्रोग्राम तो आपको सिंपली क्या करना है या तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो या तो आप सिंपली क्या करो यहां से या रजिस्टर कर लो और लॉग इन करने के बाद वो आपसे सिंपली कुछ आपके कॉन्टेक्ट नंबर कुछ मांगेगा वो आप फिल कर रहे हैं लॉग इन करना है एंड यू विल सी वेरियस बैचेस उन वेरियस बैचेस को आप एक बार देख के क्लिक करके आप फर्दर रजिस्ट्रेशन पे आगे प्रोसीड कर सकते हो तो सी टी आर मॉडल में एक तो रिविजन वाला फॉर्मेट आ गया रेगुलर बेसिस पर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो उसका प्रॉपर एक ट्रैकर हम बना देंगे जिससे कि मेंटोर से कभी भी बात हो तो वो एनालाइज कर पाए कि पिछले दिनों में आपने कैसा परफॉर्म किया था और अभी कहाँ पर गलत कर रहे हो उसके हिसाब से हम आगे बात कर सकें फिर डाउट सॉल्वर मित्रा वो मित्र है जो आपको जूम सेशन पर मिलेगा कॉल करेगा कॉल पर बात कर लेगा तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे नाउ योर डाउट सॉल्वर मित्रा विल बी हेल्पिंग यू इन दैट फिर इसके बाद संडे को जब आप वापस आते हो तो अगेन आपका एक बड़ा टेस्ट होता है जो डेली टेस्ट होगा ना उसमें भी आपके आराम से 10 MCQs होंगे एक मेंस का क्वेश्चन होगा डेली बेसिस पर करेंगे पिछले क्लास का ऐसा क्यों बोल रहे हैं पिछले क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया बिल्कुल पढ़ा दिया आपने फिर घर जाके उसके बारे में पढ़ लिया बिल्कुल पढ़ लिया अपने डाउट्स सारे क्लियर कर लिए कर लिए अगले दिन फिर क्लास में तो उसका रिविजन भी कर लिया कर लिया नाव यू आर इनफ इतनी बार रिवीजन डाउट क्लियर होने के बाद अब तो आप टेस्ट दे सकते हो ना अब तो पूरा दिमाग खुल चुका होगा इतने में फिर आप अच्छा परफॉर्म करोगे जब अच्छा परफॉर्म करोगे ना तो मोटिवेशन आएगा कि अब तो मैं बढ़िया कर रहा हूँ यार यूपीएससी क्लियर करना तो अपना डोमेन हो सकता है कोई इतना बड़ा बात नहीं है तो यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर इन्फ्यूज़ करना है कि दिस इज डूएबल डो दु नॉट वरी फॉर इट वी आर ऑलवेज हियर अगर आपके मन में फिर भी कोई भी क्या बोलते हैं कुछ भी अगर डाउट्स आते हैं तो आप इस वाले नंबर पर एक बार कॉल कर सकते हो या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो info at the rate पी डब्ल्यू ऑनली पे ठीक है यहाँ मेल कर दीजिए या फिर इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर लीजिए इट इज नाइन नाइन टू जीरो सिक्स वन थ्री तो बस इतना ही था आज के सेशन में आपके सभी डाउट्स आई सपोज कि क्लियर हो चुके होंगे और जिन लोगों के भी अभी इस एनसेट में कोई रैंक अच्छी नहीं आई है या फिर प्रिपरेशन मोड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहा है उनके लिए हम बहुत प्रॉपर तरीके से मिन्टॉसिप सेशंस भी अरेंज कर रहे हैं इवन इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट तो भी आप उस लिंक पर एक बार क्लिक कर लीजिए तो दैट्स ऑल फॉर आर एंड वी अगेन कॉन्ग्रेचुलेट दीज स्टूडेंट स्पेसिफिकली और जिनको इनके अलावा भी मिले हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है पूरा का पूरा पी डब्ल्यू ऑनलीस्टिंग थैंक यू ऑल दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर हैपी नाइस डे